डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज एक नया चैप्टर लेके आई हूँ आपके संग, जो कि है 11th क्लास का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इन टर्म्स ऑफ कि क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से आएंगे। एक तो क्या है, इतनी ज्यादा वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना। तो जैसे कि यहाँ पे एनिमल किंगडम है, तो सारे किंगडम उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और उसके फीचर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के लिए लाइन बाय लाइन आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। कोई भी डायग्राम, कोई भी समरी में कहीं पे गिवन कोई भी पॉइंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं आपके संग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आप नीट के प्रीवियस क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ। अब यहाँ पे जैसे इस चैप्टर में से क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि एक तो एग्जाम्पल ऑफ फीचर्स में से आते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप कि क्यों क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा पूरा एनिमल किंगडम है उसको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो बना किससे है? सेल से बना है। सेल मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनती है, और ऑर्गन फिर एक इकट्ठा ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ। पहले सिंपल सिंगल सेल आए, मल्टी सेलर आए, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बने, देन ऑर्गन लेवल आया, फिर सिस्टम लेवल आया। तो यहाँ पे हम यही चीज पढ़ेंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी दे रखा है, बेशक अगर स्पॉन्जेस की बात यहाँ पे हुई है तो आपको यहाँ पे भी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, इन पैराग्राफ्स को नहीं छोड़ना है। तो क्या कहते हैं, इन स्पॉन्जेस में जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं लूज एग्रीगेट, लूजली अरेंज होते हैं। तो ये सेलुलर लेवल ही दिखाता है, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि टिश्यू लेवल दिखा रहा है। मतलब कि इन स्पॉन्जेस में क्या है, जो सेल्स हैं वो मिलके ऐसा नहीं है कि अलग अलग टिश्यूज बना रहे हैं, सेलुलर लेवल पे ही काम होता है। जितने भी फंक्शन स्पॉन्जेस को परफॉर्म करने हैं, चाहे खाना खाने से रिलेटेड हो, एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो, हर चीज सेलुलर लेवल पे ही होती है। तो जैसे हमको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक क्या होती है, एबिलिटी होती है, या सेल की एक एबिलिटी होती है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि जो भी सेल्स हैं वो आपस में अपने फंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हर सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट है, इन सीलेंट रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सेल्स और कॉम्प्लेक्स अरेंज हो जाते हैं, पहले सिंपल लूजली अरेंज थे, अब और कॉम्प्लेक्स हो गए। देन सेल जो है परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, तो जो सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक जैसा टिश्यू बना देते हैं, इसलिए इसको टिश्यू लेवल बोल देते हैं। उसके बाद फर्दर जब हम प्लैटीहेलमिंथेस पे आते हैं तो उसके पास ऑर्गन लेवल आ जाता है, यानी कि अब सारे ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिला के ऑर्गन बनते हैं और हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है। तो दे आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, जहां पे टिश्यू ग्रुप करते हैं। हमारे पास क्या हो गए, एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, ऑर्थोपोड्स, मॉलस्क्स, इसमें क्या होता है, और एकिनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स के अंदर भी अब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें लंग्स हैं, नोज हैं, ये सारी ऑर्गन्स कंबाइंड है। दिस पैटर्न इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिंथेस होता है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि कि अब उन्होंने सिंगल सिस्टम तो आ गया है प्रॉपर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे प्लैटीहेलमिंथेस में सिंपल सिस्टम होता है डाइजेशन का, एक ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड बॉडी, जो सिर्फ बोथ माउथ और एनस का भी काम करेगा, यानी कि फूड को इनटेक भी वहीं से हो रहा है और वेस्ट सब्सटेंसेस भी बाहर वहीं से जा रहे हैं। तो एक इनकम्प्लीट यहाँ पे सिस्टम हो जाता है। देन कंप्लीट ऐसे सिस्टम कैसे है, जैसे उसमें दो ओपनिंग जब होती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को अच्छे से मार्क करना है कि किसमें कंप्लीट होता है, किसमें इनकम्प्लीट होता है। तो जो कंप्लीट सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, दोनों ओपनिंग्स होंगी माउस और एनस की। उसी तरीके से सर्कुलेशन सिस्टम भी दो टाइप का होता है,
एक हो जाता है ओपन सिस्टम, जिसमें जो ब्लड है वो आउट ऑफ द हार्ट पंप होता है एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेथ्ड इन इट। मतलब क्या हुआ, हार्ट ने पंप कर दिया, आसपास सारे सेल्स एंड टिश्यू है सिंपल वो उसमें इन्फ्यूज हो जाता है। क्लोज टाइप में क्या होता है, जो ब्लड पूरी कैपिलरीज के सिस्टम से वेसल्स के सिस्टम तक हर सेल तक पहुंचता है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस डिफरेंस नहीं कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, जिसके बेसिस पे हम किंगडम्स को क्लासिफाई करते हैं, वो हो जाता है सिमेट्री। कि बॉडी की अब सिमेट्री कैसे है, अब ऑर्गेनिज्म तो बन गया तो बॉडी है कैसे, तो उसमें या तो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा। जैसे स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं, मतलब आपने कहीं से किसी एक्सिस से कट कर दिया है ऑर्गेनिज्म को तो वो इक्वल इक्वल हाफ्स में नहीं बटेंगे। सिमिलरली अगर बिल्कुल एग्जैक्टली दो हाफ में बटेगा बीच में से काटा, जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर ये हमें दिख रहा है क्रैब, इसको इस एक्सिस से काटा तो देखो इधर भी एग्जैक्टली सेम है, इधर भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे एक आपको इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ये अपेंडिजेस इधर है, इतने ही अपेंडिजेस इधर है, तो इसको बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। देन हमारे पास आता है रेडियल सिमेट्रिकल। तो ये क्या होता है, जब जो प्लेन है यानी कि जिसको आप कट कर रहे हो, ये वाला जो प्लेन है, जब इसको सेंट्रल एक्सिस से बांटते हैं तो दो इक्वल हाफ मिलते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगेन सीलेंट्रेट, स्टीनोफोर्स, एकिनोडर्म्स, फिर जितने भी एनलीड्स हो गए, ऑर्थोपोड्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट होता है, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। देन इसके बाद अब आ जाते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर के हिसाब से डिवाइडेड है, यानी कि जर्म लेयर्स। अब अगर जर्म लेयर्स हैं तो वो कितनी लेयर्स बनाती हैं, सपोज अगर वो दो लेयर बनाता है तो वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, अगर वो तीन लेयर बनाता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे कितनी टाइप की लेयर्स हो गई, इन केस ऑफ अगर हमारे पास दो लेयर्स हैं तो एक एक्सटर्नल होगी जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो इंटरनल मेम्ब्रेन होगी उसको एंडोडर्म बोलते हैं। जैसे देखो ये जो डायग्राम है मुझे डिप्लोब्लास्टिक दे रखा है, तो यहाँ पे दो जर्म लेयर्स हैं। अब एक क्या हो गई, हमारे पास एंडोडर्म हो गई है, एक हमारे पास एक्टोडर्म हो गई है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स। अब इसी में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, यहाँ पे एक और दिख रहा है आपको मीजोग्लिया। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ऐसा नहीं है एक डिस्टिंक्ट लेयर है, आप इसको प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे है मीजोग्लिया इन बिटवीन द टू लेयर्स। तो जैसे ही जब और इवॉल्व हुए लेयर्स तो यही लेयर अब थर्ड लेयर बन गई मीजोडर्म, तो यहाँ पे दोनों को मिला के तीन हो गई, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई, जैसे प्लैटीहेलमिंथेस, कॉर्डेट्स। नेक्स्ट हो जाता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलम, अगर प्रेजेंट होगा तो उसको सीलोमेट बोलेंगे और अगर एब्सेंट होगा तो उसको एसीलोमेट बोलेंगे। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक कैविटी होती है बॉडी की, कैविटी जो कि प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन वॉल और गट वॉल। और ये जो बनी होती है ये मीजोडर्म से बनी होती है, तो जिसमें होते हैं उनको सीलोमेट्स बोलते हैं, जैसे एनलीड्स, मॉलस्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो बाद में आया, आर्थ्रोपोड, एक्टिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। देन एक होते हैं एसीलोमेट जिसमें नहीं होती, एब्सेंट होती है, जैसे प्लैटीहेलमिंथेस। अब एक और टाइप के होते हैं जिसमें क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है वो स्यूडोसीलम होता है, यानी कि प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। तो इसमें बेसिकली जो बॉडी का ये जो सीलम है, ये जो कैविटी है, इसमें मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसमें पाउचेस होते हैं इन बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी कि इनकम्प्लीट होती है। अब जैसे ये देखो, ये जो ए है ये सीलोमेट है, ये जो बॉडी कैविटी है अगर आप इसको देखोगे तो ये मीजोडर्म से प्रॉपरली बनी हुई है। ये जो सेकेंड वाला है एसीलोमेट, यहाँ पे बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन एक प्रॉपर मीजोडर्म नहीं है, इसमें पाउचेस प्रेजेंट है। थर्ड में क्या है, बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सेगमेंटेशन। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, जैसे कैटरपिलर हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, तो आपने देखा होगा उसमें बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो वो हो जाती है सेगमेंटेड बॉडी। देन फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म जो बॉडी है
एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाती है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये क्या होता है कि जैसे अर्थ फॉर्म है तो उसमें मेटामेरिज्म दिखा रहा है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब जो भी इसके ऑर्गन्स हैं या जो भी इसके जो टिश्यूज हैं, ये क्या है, एक इक्वल इंटरवल्स में रिपीट होते हैं। तो आप कोई भी अगर एक एक पार्ट लोगे, सेगमेंट लोगे, तो वहां पे वो चीजें देखने को मिलेगी। तो बॉडी एक लीनियर सीरीज में, तो अगर इस तरीके से सेगमेंटेशन हो रखी है तो लीनियर है, तो जो भी आपको सेगमेंट्स मिल रहे हैं या जो भी आपको मिल रहे हैं पार्ट्स, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर पार्ट्स होते हैं। और मेटाबॉलिज्म के केस में उन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामियर्स। देन नेक्स्ट आ जाता है नोटोकॉर्ड। अब ये क्या है, एक मीजोडर्मली रॉड शेक स्ट्रक्चर है। मीजोडर्मली डिराइव मतलब इसमें मीजोडर्म का लेयर है जो कि डॉर्सल साइड में होता है। डॉर्सल साइड होती है बैक साइड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, तो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड होता है उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें नहीं होता है उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। देन अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो नोटबुक में बना बना के। तो बहुत सारी, अगर आपको नहीं भी आता है ये चैप्टर, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक फाइलम दे रखा है उससे रिलेटेड अगर पूछा है, तो आप उसके फीचर्स बता सकते हो। अब देखो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है या तो सिंगल सेल होगा, ठीक है। अब जब सिंगल सेल के बाद मल्टी सेलर आए, अब जब मल्टी सेलर होगा तो या तो उसमें सिर्फ सेल्स होंगे, या सेल्स जो है उन्होंने मिलके बना दिए टिश्यू या ऑर्गन या फिर सिस्टम। देन क्या है, अगर सिर्फ सेलर लेवल है, कोई सिमेट्री नहीं है, यानी कि एसिमेट्रिकल है, सीलोमेट सीलम प्रेजेंट नहीं है, एसीलोमेट प्रेजेंट है, तो वो पॉरीफेरा हो गए, ठीक है। उसी तरीके से अगर इन्हीं में टिश्यू लेवल आ गया, रेडियल सिमेट्री है, बॉडी में सीलम प्रेजेंट नहीं है, तो वो टीनोफेरा हो गया और सीलेंट्रेटा। देन बायलेट्रिकल कौन से आ गए हमारे, प्लैटीहेलमिंथेस, तो उनके पास विदाउट बॉडी कैविटी है, यानी कि ए सीलोमेट्स हैं, किसी में स्यूडोसिलोमेट्स हैं, किसी में सीलोमेट्स हैं। तो अब सीलोमेट्स में भी कौन से आ गए, ये सारे हमारे फाइलम आ गए। तो यहाँ से आप कैरेक्टर्स को एक आइडिया हो जाएगा, लर्न रहेंगे आपको कैरेक्टर्स। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सारे के सारे फाइलम। जैसे मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट करेंगे सारे के सारे फाइलम्स। अब उसमें हम सभी के सभी फीचर्स देखेंगे और हम ट्रिक्स देखेंगे एग्जाम्पल्स को लर्न करने की, ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ गया फाइलम पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा नाम से ही याद कर लो, इसमें पोर्स होते हैं। तो पोर्स जैसे आप बहुत सारे देखेंगे, तो स्पॉन्जेस, जैसे हमारे घर में स्पॉन्ज होता है, उसमें बहुत सारे पोर्स हैं, उसी एक इमेज बना लो और यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। उनको कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। देन वो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। अब जो इनकी जो प्रिमिटिव है वो मल्टी सेलर एनिमल्स थे और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। उनकी बॉडी में एक कैनाल सिस्टम है। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनके पेक्यूलियर है। तो दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर होते हैं माइन्यूट पोर से, उसको ऑस्टिया बोलते हैं। बॉडी की अंदर एक कैविटी होती है, तो स्पॉन्जेस के नाम से ही स्पॉन्जी कोयल, ठीक है। Where it goes out through osculum. अब बाहर कैसे जाते हैं, osculum से जाते हैं। ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये सिर्फ इसीलिए ही नहीं, लेकिन फूड भी गैदर इस तरीके से होता है, ये रेस्पिरेट भी ऐसे ही करते हैं, वेस्ट का रिमूवल भी इसी के थ्रू होता है। देन यहाँ पे इनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कॉलर सेल्स होते हैं, और इनका नाम है क्वेनोसाइट्स। ये क्या होते हैं, अब कॉलर सेल जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करते हैं। तो ये पूरे स्पॉन्जो कोयल और कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके पास जो स्केलेटन होता है वो बना होता है स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सेक्सेस अलग अलग नहीं होते, अलग अलग नहीं होंगे, तो दोनों में सेम होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, और उसको हर्मीफ्रोडाइट बोलते हैं। अब इसकी जो फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है वो कैसे करना है,
तो एग्स भी और स्पर्म भी क्योंकि बायसेक्सुअल हैं तो एक ही इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन से होती है। एंड सेक्सुअली कैसे करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन से, क्योंकि मेल और फीमेल में एग्स और स्पर्म्स तो बन रहे हैं, तो गैमीट्स तो बन रहे हैं, तो सेक्सुअली ऐसे बनेंगे। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, तो ये हमें देखना है सभी में कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमंस में अगर फीटस है, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो डेवलप हुआ, फीटस बन गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनडायरेक्ट है, एक मिड स्टेज आती है, वो होती है लार्वल स्टेज, तो वो की बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि एडल्ट से बिल्कुल अलग होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स हो गए वहां पे साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला, इन सभी के कॉमन नेम्स भी लर्न करना बहुत जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल हम कैसे लर्न करेंगे, यहाँ पे मुझे याद रखना है पीपल स्पीक यूरोपियन स्लैंग। अब क्या होगा, पीपल के पी से हो गया पॉरीफेरा, तो ये जो लाइन है पॉरीफेरा के लिए याद करनी है। एस से हो गया हमारे पास साइकॉन, देन हमारे पास एक और एस है स्पॉन्जिला, और ई से हो गया यू स्पॉन्जिया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट फाइलम में बढ़ते हैं, विच इज सीलेंट्रेटा। ये क्या है, इसको बोल दिया सीलेंट्रेटा या फिर नाइजेरियंस। अब ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं ज्यादा से ज्यादा, फ्री लिविंग भी, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है बॉडी में, रेडियल सिमेट्री होती है। देन अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको नीडोब्लास्ट या सिनीडोब्लास्ट या नीडोसाइट या फिर सिनीडोसाइट्स भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर एक स्पेशल स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जिनको निमेटोसाइट्स भी कहा जाता है। ये जो है उनके बॉडी के टेंटिकल्स में प्रेजेंट हैं। अब ये यूज कैसे करते हैं, इनका यूज क्या है, ये एंकरेज, मतलब जैसे किसी को होल्ड कर लिया फिर वहां पे वो अब उसको सपोर्ट के थ्रू रह सकते हैं, तो एंकर की तरह काम कर रहे हैं। देन डिफेंस में भी हेल्प करते हैं और प्रे कैप्चरिंग में भी ये इनको हेल्प कराता है। देन जो साइनेडियरियंस होते हैं या निडेरियंस होते हैं, इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इनके पास एक गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी है। अब ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके माउथ में एक सिंगल माउथ ओपनिंग है जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। डाइजेशन बाहर भी होती है सेल के और अंदर भी, तो एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों टाइप की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डाइजेशन दोनों ही टाइप का है। देन एग्जाम्पल्स आर कॉरल्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास एक स्केलेटन होता है स्पेशल कैल्शियम कार्बोनेट का। देन ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉलिप्स और दूसरे मेड्यूसा। अब देखो पॉलिप्स कैसे होते हैं, इनकी बॉडी ससाइल है, सिलेंड्रिकल है, जिसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, एडम्सिया। देन वेयर एज जो हमारे मेड्यूसा होते हैं उनके पास एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, मशरूम जैसा स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल ऑरेलिया, जिसका कॉमन नेम है जेलीफिश। ये ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन दिखाते हैं। अब मतलब जैसे प्लांट है या कोई एनिमल है रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद ही तो नेक्स्ट जनरेशन मिल रही है। अब या तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब इसमें सेक्सुअल फेज भी आता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज भी आता है। देन पॉलिप्स जो है प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा एसेक्सुअली, याद रखना है। ये जो ये छोटी छोटी लाइंस है ना जो आप मिस कर देते हो, क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। और मेड्यूसा जो है वो फॉर्म करते हैं पॉलिप्स सेक्सुअली, एग्जाम्पल ओबेलिया। अब देखो यहाँ पे मेड्यूसा का एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर था, वो इस तरीके का दिखते हैं, और ये जो पॉलिप हैं ये थोड़े स्लेंडर होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ऑरेलिया और एडेम्सिया इज फॉर पॉलिप टाइप ऑफ नाइडेरियंस, ठीक है। अब सारे इसके एग्जाम्पल्स, देन वी हैव फाइसेलिया, इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एडमेसिया सॉरी एडम्शिया, पिनाट्यूला, गॉर्गोनिया और मियांड्रिना। अब इसको कैसे लर्न करेंगे,
हमें याद रखना है कूल एडम एंड फिलिप गॉट पासिंग मार्क्स। तो ये स्टेटमेंट लर्न रखनी। अब सी से हो गया हमारा सीलेंट रेटा, देन अब ए से क्या क्या है हमारे पास, एडमेसिया ठीक है, या एडमशिया यहां से हो गया। देन एक और ए आया मेरे पास विच इज फॉर ऑरेलिया ठीक है। देन वी हैव पी से फाइसालिया, देन जी से हमारे पास गॉर्गोनिया, अगेन एक पी आया पिनाटुला, एंड एम से वी हैव मियांजिना। तो यहाँ से इसके सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए। अब जरूरी नहीं है कि आपको एकदम वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग की तरह याद होना चाहिए। आपने ये स्टेटमेंट लर्न कर ली, अगर आप डेली भी इन स्टेटमेंट्स को रिवाइज करते हो तो एग्जाम में क्या होगा, आपको वहां पे याद आ जाएगा। अगर आप अगर सपोज क्वेश्चन आया एनेलिड से रिलेटेड, टीनो फोरा से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपने ये ट्रिक वहां पे लिख दी, बस वो स्टेटमेंट उस फाइलम के लिए याद रख लो, या वो सारी स्टेटमेंट्स लर्न कर लो, वहां पे फाइलम के लिए भी वर्ड है। तो आप क्या करोगे, अपने आप ही उस टाइम पे आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये इसके अंडर आता है या ये इसके अंडर आता है। नेक्स्ट टाइम आप बस फाइलम टीनोफोरा ठीक है, ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से आप देख लो। टीनोफोरा कहो हम प्लियोब्राकिया। आप देखो टीनोफोर्स क्या होते हैं, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, इनको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। उनकी बॉडी में कोम जेलीज होती हैं। अब ये एक्सक्लूसिवली मरीन ही होते हैं, बॉडी में इनकी रेडियल सिमेट्री है, ये फिगर से ही लग रहा है रेडियल सिमेट्री होगा। डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर्स हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्स टिश्यूज बन गए। अब इनकी बॉडी में कॉम प्लेट्स होते हैं, और ये कितने होते हैं ये अच्छे से पढ़ना है, 8 कॉम प्लेट्स होते हैं। देन अब जो इनकी डाइजेशन होती है, अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है बायोल्यूमिनेसेंस, बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो बॉडी को ल्यूमिनेट करते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से ल्यूमिनेसेंस होता है, लाइट एमिट करते हैं ठीक है। अब सेक्सेस अगेन सेपरेट नहीं है, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन से होती है, तो यानी ये भी हर्मोफ्रोडाइट होगा। अब सेक्सुअल मीन है तो डेफिनेटली यहाँ पे गैमीट्स होगा एक ही इंडिविजुअल में। फर्टिलाइजेशन इसकी एक्सटर्नल होती है और डायरेक्टमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रख लो प्लीज, केयर, सी से टीनोफोरा, सी से टीनोप्लाना, और पी से हमारा प्लियोब्राकिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्लैटी हेलमेंथिस। अब ये कैसे होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है प्लैटी फ्लैट है ठीक है, इनकी बॉडी फ्लैट होती है तो इनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। ये डोर्सो वेंट्री फ्लैटेंड बॉडी है, यानी बैक एंड फ्रंट फ्लैटेंड है। नाउ मोस्टली ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं और बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये एंडो पैरासाइट होता है, मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होते हैं। इनकी बॉडी बायलेट्रिकल सिमेट्री है, यानी कि अगर इस तरीके से काटेंगे तो इधर और इधर सेम मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी में सीलम नहीं है तो ए सीलोमेट हो गया। अब आ जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हुक एंड सकर्स बोलते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट हैं तो इनकी बॉडी में इसी तरीके की डेवलपमेंट है जो कि हुक्स का काम कर रहे हैं। नाउ इसी के थ्रू ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके पास, फ्लेम सेल्स, जो इनको एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं ठीक है। सेक्सेस इनके भी सेपरेट नहीं होते, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट होती है लार्वल स्टेजेस से, यानी कि ये भी हो गई इनडायरेक्ट। अब कुछ कुछ में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, जैसे प्लेनेरिया। रीजनरेट मतलब जैसे अगर सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने दो पार्ट्स में बांट दिया, अब ये वाला पार्ट भी पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देगा और ये वाला पार्ट भी पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए हमें क्या करना है, आई होप फॉर टैप। अब इसमें सारे फीचर्स भी आ जाएंगे। आई से हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है।
देन हमारे पास आ गया एच से, एच से इनकी बॉडी में हो गए हुक्स एंड सकर्स। ओ से क्या हो गया, इनकी बॉडी प्लैटीहेलमिन से ही ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो जाता है। पी से एक एग्जाम्पल हो गया इनकी बॉडी का, प्लेनेरिया। ई से हो गए ये एंडो पैरासाइट्स, तो सारे के सारे इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है कवर हो रहे हैं। एफ से हमारा एक एग्जाम्पल हो गया फैसिकोला। ओ से हो जाएगा हमारे पास फिर से ऑर्गन लेवल, आर से नहीं है तो हमें यहाँ पर सिर्फ एफ के लिए देखना है। और टैप से, टी से हो जाएगा हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, ए से हो जाएगा ए सीलोमेट और बी से हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं। अब देखो टी से ये भी याद रखना है, हमारे पास होता है टेप वर्म एंड प्लैटीहेलमिंथिस हो गया, उसके लिए फैसिकुला, टेनिया, टेनिया से याद रखना है टे, टे से टेप वर्म। देन हमारे पास ये भी याद रखना है लिवर फ्लूक, ठीक है, तो फैसिकुला को बोलते हैं लिवर फ्लूक। देन नेक्स्ट आ जाएगा एस्की हेलमेंथिस। अब इनकी बॉडी कैसे होती है एस्की हेलमेंथिस की, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इस टाइप के वर्म्स हैं, जैसे राउंड वर्म, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ह्यूमंस में ये पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, एस्कैरियासिस एक डिजीजेस होती है, वो एस्कैरिस फैलाते हैं, राउंड वर्म एस्की हेलमेंथिस के अंडर आते हैं। इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीरोसिलोमेट, सीरोसिलोमेट यानी कि मीजोडर्म नहीं है सीलम में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मस्कुलर फैरिंग्स होता है वेल डेवलप्ड, एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्स हैं जो रिमूव करती हैं वेस्ट को बॉडी से। सेक्सेस अब यहां से स्टार्ट हो गए, सेपरेट सेक्सेस, मेल भी मिला फीमेल भी मिला। देन मेल्स एंड फीमेल डिस्टिंक्ट है, ऑफन जो फीमेल्स हैं वो थोड़ी लॉन्गर होती है। फर्टिलाइजेशन अब क्योंकि दोनों अलग हैं, इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यंग वन से ही सीधा एडल्ट में मिल जाएंगे, कोई लार्वल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट फॉर्म भी होती है। अब यहां पे आपको स्टेटमेंट याद रखनी है हवन, ठीक है, जहां पे एच से हो जाएगा हमारे पास हुकवर्म, ठीक है, एंक्लाइलोस्टोमा। देन ए से हमारे पास हो जाएगा एस्कैरिस। देन हमारे पास डब्ल्यू आ गया, इससे विट्रेरिया, विट्रेरिया ब्रोंकोफ्टी से फिलेरियसिस होता है। देन W हो गया, देन अगेन A आ गया हमारे पास, A से एस्की हेलमेंथिस एंड N से इसमें नीमाटोड्स भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया एनलीड्स। अब एनलीड्स एक्वेटिक भी में मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक है, ऑर्गन लेवल है, बायलेट्रिकल सिमेट्रिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेड, सीलम होता है इनकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया था मेटामियर्स बोलते हैं सेगमेंट को। फाइलम जो नेम है एनलीड, इनकी बॉडी में एनिलस होता है, छोटी छोटी रिंग्स हैं, ठीक है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स जो हेल्प करते हैं उनको लोकोमोशन में, मूवमेंट में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। कुछ एक्वेटिक एनलीड जैसे नीरिस, इनमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, ये दिख रहे हैं साइड में आ रहे हैं अपेंडेजेस, इसको लेटरल अपेंडेजेस बोलते हैं, विच इज नोन एज पैरापोडिया। अब ये इंपॉर्टेंट है पैरापोडिया। अब यहां से स्टार्ट हो गया है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए यूज होता है। देन इनके पास न्यूरॉन्स जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ गैंजलिया, ठीक है। देन अब इनके पास नर्व कॉर्ड होता है, नेरीज एक्वेटिक फॉर्म है, डायशियस है, मेल और फीमेल सेपरेटेड है, लेकिन लीचेस जो है वो मोनोशियस होते हैं, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल है। इसमें क्या याद रखेंगे, नेहा, ठीक है, इजी है। एन से हो जाएगा नीरस, ई से हो जाएगा अर्थ वॉर्म जिसको फेरिटीमा भी बोलते हैं, एच से हो जाएगा हिरनडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच के लिए यूज होता है,
एंड ए से एनालिस्ट। नेक्स्ट आ गया वापस आर्थ्रोपोडा। अब इसमें एक दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोडा के लिए, कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। अब जितने भी इसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। इनके पास अपेंडिजेस होते हैं जिसको जॉइंट अपेंडिजेस बोलते हैं। बॉडी में ऑर्गन लेवल आ जाता है, बायलेट्रिकल सिमेट्री होते हैं जैसे हमने देखा था इंसेक्ट्स में स्टार्टिंग में, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी में जो एंडोस्केलेटन होता है वो चिटिन का बना होता है। बॉडी में हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स भी हो सकते हैं, बुक लंग्स भी हो सकते हैं और ट्राकिया भी हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। एंटीने हैं बॉडी में, कंपाउंड आईज भी हो सकती हैं, सिंपल आईज भी हो सकती हैं। स्टैटोसिस्ट्स बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनकी बॉडी में, एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट है मालफीगियन ट्यूब्यूल्स। ओवी पैरस होते हैं यानी कि एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे जैसे हनी बी, बॉम्बेक्स, इसमें तो सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे सारे ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे। अब कुछ कुछ वेक्टर्स हैं जो कि काम करते हैं डिजीज कॉज करने का, यानी कि जैसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये मलेरिया कॉज करती है। एडीज मॉस्किटो, ये डेंगू कॉज करता है, येलो फीवर कॉज करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये फिलारियासिस को वेक्टर की तरह काम करता है इस डिजीज के लिए। देन लोकस्ट आते हैं, लिमिलस आते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको ये वेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन हम अपने नेक्स्ट फाइलम में आ जाते हैं विच इज मोलस्का। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। देन टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। बॉडी में ऑर्गन लेवल है, बायलेटरी सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल्स है। बॉडी जो कवर्ड है एक कैल्केरियस शेल्स है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी में कैल्केरियस शेल है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, ये देख रहे हो कोई सेगमेंटेशन दिख रही है आपको। हेड मस्कुलर फुट विसरल हम्प है इनके अंदर। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है जो कि मेंटल बनाती है, मतलब ये जो हम्प है ये कवर है एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर के साथ। देन ये जो हम्प है और मेंटल है इसके बीच में स्पेस है, तो एक कैविटी बन रही है। अब यहाँ पे गिल्स, जहाँ पे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है रेड्यूला। ये क्या है, जो इनका माउथ होता है वो एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है फीडिंग के लिए, उसको रेड्यूला बोलते हैं। देन अब इसके एग्जाम्पल्स, हाँ एक चीज और, ये डाइशियस है, ओवी पैरस है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके लिए याद रख लो स्टेटमेंट, सो मच डैंड्रफ ऑन स्कैल्प। अब यहाँ पे सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्नेल्स आ जाएंगे। सारे स्नेल्स इसी में होते हैं, जो एप्पल स्नेल है उसको पिला बोलते हैं। देन एम से मोलस्क हो जाएगा। देन वी हैव डी, डी से आपके पास हो गई डेंटालियम टस्क शेल। देन ओ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर्स को पिनकैडा बोलते हैं, पिनकैडा सॉरी। देन हमारे पास स्कैल्प, ये सभी के सभी। अब जो एस से है ये हमारी सीपिया हो गए। देन हमारा सी से हो गया केटोप्लूरा। देन ए से हमारे पास आ जाएगा एप्लीसिया। एल से हो जाएगा हमारे पास लॉलीगो। एंड पी से हमारे पास हो जाएगा पर्ल ऑयस्टर्स हो सकता है पी से। एंड यहाँ ओ जो हो जाएगा ऑक्टोपस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में अब आ जाते हैं फाइलम एकिनोडर्माटा। अब ये जो है इनके पास अगेन एक एंडोस्केलेटन होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का, ठीक है। अब इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, बॉडी में स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, मरीन होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल रेडियो सिमेट्रिकल, ये इसमें पिक्यूलर पॉइंट है, बायलेट्री सिमेट्रिकल लार्वे होता है। तो यहीं से पता लग गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। अब बॉडी में इनके पास एनर है अपर रीजन में, यानी बैक रीजन में, उसको एनस बोलते हैं। और जो माउथ है वो लोअर रीजन में है, वेंट्रल रीजन में है।
ठीक है, बॉडी में एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करता है, और वैस्कुलर सिस्टम है तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ही। अब इसके लिए आपको याद रखनी है सी इकोसिस्टम। अब देखो, स्टारफिश आ गई मेरी, एस से हो जाएगी, ठीक है। देन मेरे पास ई से आ गया इकिनोडर्माटा, ए से हो जाएगा आप ले लो एंटीडोन, ठीक है। अब यहाँ जो इको है सिर्फ यही वर्ड्स हैं बाकी के लिए, जिससे ओ से हो जाएगा ऑफ्यूरा, सी से हो जाएगा क्यूक्यूमेरिया, और ई से हो जाएगा इशनस, जिसको सी अर्चिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेमिकॉर्डेटा में। अब ये जो है हेमिकॉर्डेटा, अर्लियर कंसिडर किए जाते हैं सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर आते थे, बट अभी ये अलग हो गया है क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स है कंप्लीटली, इनके में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो है वर्म लाइक सारे होते हैं, इनके अंदर मरीन है, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलियोमेट्स, इनके पास एक प्रोबिस्कस ग्लैंड है, एंटीरियर प्रोबिस्कस, कॉलर है, लॉन्ग ट्रंक है इनके पास, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, रेस्पिरेशन यहाँ पे गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है अगेन यही प्रोबोसिस ग्लैंड है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, सेक्सेस सेपरेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है। अब इसके एग्जाम्पल्स एक जैसे हैं, आप याद कर सकते हो, और बहुत बाकियों से अलग है बैलन ग्लॉसेस और सैकोग्लॉसेस। देन हमारा आ जाता है हमारा फाइलम कॉर्डेट, कॉर्डेट जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एक हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स होते हैं अब इनके अंदर इस तरीके से, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिमेट्रिकल बायलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलम प्रेजेंट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम है। अब इनके पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोस्ट एनल टेल होता है, ठीक है। अब ये भी अच्छे से पता होना चाहिए हमें, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसमें, एब्सेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये डॉर्सल होता है, बैक होता है, नोटोकॉर्ड बैक में प्रेजेंट है, लॉन्ग ट्यूब सा एम्ब्रियो के स्टेज पे, तो बैक पे ही नर्वस सिस्टम होगा डेवलप। यहाँ पे वेंट्रल होता है, डबल है, यहाँ पे सिंगल है, हॉलो है, फैरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट है। हार्ट आगे प्रेजेंट होता है, अब देखो कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स इसके अंदर आते हैं, हमारे आगे है हर्ट होता है, पोस्ट एनल टेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब फाइलम कॉर्डेटा जो है वो तीन में डिवाइडेड होता है, यूरो कॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब इसमें से क्या हो गए, जो हमारे यूरो कॉर्डेटा होते हैं और जो सिफेलो कॉर्डेटा है वो प्रिमिटिव होते हैं, तो उनको प्रोटो कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब ये मेरीन है, अब यहाँ पे दोनों के ही डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स याद करेंगे, तो यूरो कॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, वाइल सिफेलो कॉर्डेटा में क्या होता है, वो पूरा एक्सटेंड होता है हेड टू टेल में। अब एग्जाम्पल यूरो कॉर्डेटा के, एस्कीडिया, सैल्पा, डोलियम, सॉरी ये है डोलियोलम, डोलियोलम। अब सिफेलोकॉर्डेटा, तो ये या कोई भी एक याद कर लो, अगर हमें एस्कीडिया, साल्पा और डोलियोलम याद हो गया, तो सिफेलोकॉर्डेटा याद करने के लिए हम ये याद रख लेंगे ब्लैक, जहां से सी से है सिफेलोकॉर्डेटा, बी से हो जाएगा ब्रांकियोस्टोमा, एल से लैंसलेट और ए से एमियो एम्फियोक्सिस। अब जो वर्टिब्रेटा होते हैं वो मोर इवॉल्व होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में यही वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है जो कि कार्टिलेजिनस होता है या बोनी होता है। अब जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो क्या है, कॉर्डेट्स, लेकिन कह सकते हैं कि सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। अब इनके पास हार्ट आने हैं, उसमें चेम्बर्स होते हैं, वेंट्रल तो है हार्ट, लेकिन किसी में दो चेम्बर होते हैं, किसी में थ्री होते हैं, किसी में फोर होते हैं, यहाँ पे किडनी हो जाती है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, और जॉइंट की जगह पेयर अपेंडेजेस हो जाती हैं। अब वर्टिब्रेटा जो पूरे हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले देखते हैं
साइक्लोस्टोमाटा। अब देखो इसको पढ़ने के लिए ये चीज देखो कि यहाँ पे फर्दर डिवीजन होती है। एक होती है एग्नेथा, इसमें जो जॉलेस होती हैं, और मोस्टली ये फिशेज ही होती हैं जिसमें क्लास्ट आ जाएगा हमारा साइक्लोस्टोमाटा। दूसरी तरफ क्या होते हैं, इनमें जॉ प्रेजेंट होती है, तो ये हमें जो सुपर क्लासेस हैं। क्यों सुपर क्लास? क्योंकि ये फर्दर और डिवाइड होती हैं, एक जिसमें आ जाती है पाइसिस, अब इनके पास जॉ वाली फिशेज होती हैं, और दूसरी हमारे आ जाते हैं टेट्रोपोड जिसमें लिम्स होते हैं, पाइसिस में फिन्स होते हैं। तो साइक्लोस्टोमाटा में क्या हो गया, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, इनके अंदर गिल स्लिट्स हैं, 16 to 15 होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि पैरासाइट है तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है, जॉज नहीं होते, इनके पास फिन्स हैं, बॉडी में अभी स्केल्स नहीं है, ठीक है। कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम है, इसलिए ये वर्टिब्रेट है, सर्कुलेशन इसमें क्लोज्ड होती है। अब यहां देखो ध्यान से, ये होते तो मरीन है लेकिन स्पॉनिंग के लिए यानी कि एग्स ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। जब ये हो जाता है विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, उनका जो लार्वे है वो मेटामॉर्फोसिस से यानी कि एक लार्वे पूरा अलग अलग फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा से ओशन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल लैम्प्रे, मैक्सीन एंड हैगफिश। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉन्ड्रिच थाइस। अब ये मरीन है, अब यहाँ पे याद रखना है कि इनमें क्या होते हैं, ये फिशेज होती हैं जिनके पास जॉस प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल है, फ्रंट में इनका माउथ होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट देयर लाइफ। एक जो गिल स्लिट्स हैं वो सेपरेट है और विदाउट ओपरक्लोम है यानी कि कवर नहीं है, ओपरक्लोम याद रखना है इंपॉर्टेंट है। स्किन इनकी टफ है, इसमें अब स्केल्स आ जाते हैं जिनको बोलते हैं प्लेकोइड स्केल्स, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। एग्जाम्पल्स अब यहाँ पे जो ये अच्छे से पढ़ने हैं हमें कि बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस। तो जो कार्टिलेज वाली फिशेस होते हैं उसमें हमारे पास कोलियोडियन और रिस्टस आ जाती हैं। देन अभी जो इनके यहाँ पे दे रखा है कि एनिमल्स हैं वो प्रीडेशियस हैं, ठीक है, यानी कि प्रीडेटर्स होते हैं, प्रे को खाते हैं। अब इनके बॉडी में ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी में दो चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और नीचे वेंट्रिकल। अब इनके पास किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल टॉर्पीडो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास पॉइजन रिलीज करते हैं, एग्जाम्पल ट्राइगॉन। अब ये कोल्ड ब्लडेड हैं जिनको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, ये जो इनके बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। अब मेल के पास पेल्विक फिन में क्लास्पर्स होते हैं, इंटरनल फेसिटाइलेशन और फर्टिलाइजेशन है, और वीवी पैरस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यंग बर्थ न्यू वंस को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल डॉग फिश, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, स्कोलीडियन, सॉ फिश, ग्रेट वाइल्ड शार्क, ट्राइगॉन, ये सब हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ऑस्टियोथाइस। अब अगेन ये मरीन है, फ्रेश वाटर फिश भी है, अब ये कार्टिलेज नहीं हो करके बोनी है, एग्जाम्पल कैटला, कैटला हो गया, हिपोकैम्पस हो गया। दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, गिल्स हैं लेकिन इनकी बॉडी में ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, गिल्स को कवर करता हुआ ओपरक्यूलम है, इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर है जो उनको एक बॉयंसी प्रोवाइड करता है। अब अगेन यहाँ पे भी दो चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड होंगे, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, और ये ओवी पैरस होते हैं मोस्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाले वीवी पैरस थे, ये वाले ओवी पैरस हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इसके भी एग्जाम्पल सारे पढ़ने हैं जैसे लेबियो रोहू। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, मरीन वाटर फिश कौन सी है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। देन हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ जाती है विच इज एम्फीबियंस। ये क्या होते हैं, ये कुछ टाइम वाटर में रहते हैं और कुछ टाइम टेरेस्ट्रियल बन जाते हैं, तो दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। इनकी बॉडी में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हेड हो गया, एक ट्रंक रीजन होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है,
इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है, ये स्किन के थ्रू भी ब्रीद कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में स्केल्स नहीं होती। आईज में आईलिड्स होंगी, टिम्पैनम ईयर की तरह काम करता है, एलिमेंट्री केनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सारे क्लोका में ओपन होते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स और स्किन, जैसे मैंने बताया था, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। इनमें अब थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, थ्री चेम्बर जिसमें दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ओविपैरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है जो कि वाटर मीडियम में होती है। अब यहाँ पे याद रखना है, टोड को बूफो बोलते हैं और फ्रॉग को राना बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एम्फीबियंस हो गए। नाउ नेक्स्ट वी हैव रेप्टाइल, जिसके एग्जाम्पल कैमिलियन, क्रोकोड, ये बेसिकली क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं लोकोमोशन के लिए। इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, जैसे स्नेक्स आ गए। अब ईयर ओपनिंग्स में भी टिम्पैनम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो इनका हार्ट है वो थ्री चेम्बर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर हार्ट होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, अपना जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज करते रहते हैं, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स हैं। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये ओवीपेरस है, अगेन एग ले करते हैं और इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आती। तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं, इन सब के एग्जाम्पल्स हमें इजी है लर्न करने और ये क्वेश्चन में आते भी नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन से बोनी फिशेज हैं, कौन से कार्टिलेजन फिशेज हैं, किसमें क्या क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट वी हैव एप्स, एप्स के अंदर बर्ड्स आती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गए, बर्ड्स के पास फेदर होते हैं, इनके हॉलो बोन्स होती हैं जो हेल्प करते हैं फ्लाइट करने में। अब लेकिन जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जैसे ऑस्ट्रिच, तो ये क्या करते हैं, इनके पास फेदर्स तो हैं बट ये फ्लाई नहीं कर पाते। देन क्या आ गए, इनके पास एक बीक होती है, जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके होते हैं। अब अगेन इनकी बॉडी में क्या है, जो हिंड लिम्स हैं, जो पीछे वाली लिम्स हैं, वो वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लास्पिंग के लिए, क्लास्पिंग यानी कि किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज होती है। इनकी बॉडी ड्राई लेती है, लेकिन टेल के बेस में यहाँ पे ऑयली होती है क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। बॉडी में जैसे मैंने बताया एयर कैविटीज होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एडिशनल चेम्बर्स हैं, क्रॉप और गिजार्ड। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं वॉर्म, जो कि अपने टेम्परेचर को बॉडी के कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, होमियोथर्मस होते हैं, सारी बर्ड्स आ गई इसके एग्जांपल्स। इनकी बॉडी में एयर सैक जो कि लंग से कनेक्टेड है, तो अब गिल्स नहीं है, उनके पास लंग्स हैं। ओवीपैरस है, एग्स ले करती हैं। एंड लास्ट जो हमारे आते हैं मैमल्स, मैमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इनको नरिश करना होता है यंग वंस को, और ये बर्थ भी यंग वंस को देते हैं। तो ये क्या होते हैं, वीवी पैरी। ठीक है, अब ये जैसे जैसे जहां रहते हैं उन्हीं हिसाब से इनकी बॉडी में अडेप्टेशंस होती हैं। देन अब इनके मेमोरी ग्लैंड्स है, ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। इनके जो दो लिम्स हैं ये इनको वॉकिंग में, रनिंग में, बरोइंग में, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैमल के पास हेयर्स होते हैं जो इनको वार्म रखते हैं। एक्सटर्नल ईयर टिम्पैनम नहीं होता, पिने होता है बाहर वाला। ठीक है, टीथ्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम के, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या खाना खाते हैं, क्या वो हर्बीवोर्स हैं, क्या ओमनीवोर्स हैं, क्या वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। वार्म ब्लडेड हैं, होमियोथर्मस हैं, रेस्पिरेशन लंग से होती है, सेपरेट सेक्सेस हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे ह्यूमंस में फैलोपियन ट्यूब, वीवीपैरस यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब एक चीज याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ जो प्लैटीपस होता है वो ओवीपैरस होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, वीवीपैरस होते हैं। अब आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो हमने क्या क्या देखा इसमें चैप्टर में, हमें क्या क्या पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल, जो भी पिक्युलर पॉइंट्स थे जो मैंने सर्कल किए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे,
और इस चैप्टर को लर्न करने का एक ही तरीका है कि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको ये लर्न हो जाएगा। सो थैंक यू।